बच्चों वर्ग सात में नैतिक शिक्षा के तीसरे पाठ को हम लोग देखेंगे, जिसका शीर्षक है वह दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। हम जानते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। क्या आपने कभी झूठ बोला है? इसमें एक घटना दी गई है जो कि अपने स्कूल के बच्चों को देखते हैं कि वह हमेशा किसी न किसी कारण से झूठ बोला करते हैं। तो झूठ बोलने से किसी का आज तक न भला हुआ है न होगा। इस पाठ में कुछ जीवन मूल्यों के बारे में बताया गया है जो कि हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतनशीलता, हम झूठ बोलते हैं तो उस पर हम चिंतन करें कि वास्तव में झूठ बोलना क्या सही है, और झूठ बोलने से क्या कभी जो सच्चाई है वो छुप सकती है। हमें धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। झूठ बोलने से क्या आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्या सहन शक्ति प्राप्त होती है? तो इन सबों की जगह पर हम क्यों ना इन गुणों को अपनाएं, चिंतनशीलता, सच्चाई, धैर्य, आत्मसंतुष्टि, सहन शक्ति, ईमानदारी। इस पाठ में सुधाकर जो अपनी अध्यापिका को बहुत पसंद करता है, वह दूसरे लोगों को अच्छी नहीं भी लग सकती थी, लेकिन सुधाकर की नज़र में अध्यापिका बहुत सुंदर, क्योंकि उसे उसमें उसकी मनपसंद चाची की छवि दिखाई पड़ती थी। उनका नाम बाटली वाला था, हमें हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन जहां आवश्यक होता था वहां कठोर भी हो जाती थी। एक बार सुधाकर अपनी कक्षा अध्यापिका से नाराज हो गया था, तो उन्होंने इस तरह से डराया धमकाया कि उसके बाद उसने कभी नाराज होने की हिम्मत नहीं दिखाई, मित्रों से भी नहीं। उनकी कक्षा में कोई भी मनपसंद छात्र नहीं था। यदि कोई कक्षा में समय से कार्य नहीं करता था या शोर मचाता था या अनुशासनहीन अपने को दिखाता था तो नाराज हो जाती थी। तो कोई अगर नाराज है, यानी बाटली वाला अगर किसी नाराज है, तो इसका अर्थ है कि कोई गलत काम क्या हो। 20 वर्ष से ऊपर उनको पढ़ाते हुए हो चुके थे और हर दिन उनको उनके पास कक्षा में पढ़ाने या दिखाने के लिए कुछ न कुछ होता था। हर कोई जानता था कि उनकी इच्छा होती है कि हर कोई अच्छा व्यवहार करे, लेकिन यह भी ध्यान में रखना था कि दूसरों के ऊपर न हंसना था न मजाक बनाना था। हर कोई यह जानता था कि बाटली वाला को लालची बच्चे पसंद नहीं थे। एक दिन की बात है, डैफोडिल से कविता की व्याख्या कक्षा अध्यापिका कर रही थी, अचानक सुधाकर के पीछे बैठे लड़के ने सुधाकर की पीठ में प्रकार की नोक चुभो दी। सुधाकर जोर से चिल्लाया, अध्यापिका ने डांट कर पूछा क्या बात है, लेकिन सुधाकर ने कुछ नहीं कहा। बाटली वाला को चुगली पसंद नहीं थी। कुछ देर के बाद फिर कठोरता से पूछा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर पुनः व्याख्या करने लगी। श्याम पट पर शब्द लिखने के लिए जैसे ही मुड़ी, फिर से रवि नाम के लड़के ने सुधाकर की पीठ में नोक चुभो दी, एक प्रकार की नोक चुभो दी। तब सुधाकर ने उसे कहा, रुको। बाटली वाला ने पूछा तो सुधाकर खड़ा हो गया, सिर लटकाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो सुधाकर से पूछा कि भाई तू बोलना चाहते हो? सुधाकर क्या बोलता? इससे अध्यापिका क्रोधित हो गई और कक्षा से बाहर जाने का आदेश दिया। सुधाकर दरवाजे की ओर चलना आरंभ कर दिया। तभी दो लड़कियों ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, रवि उसकी पीठ में प्रकार चुभ हो रहा था। बाटली वाला ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो भी इस प्रकार चिल्लाएगा या जिस किसी ने भी प्रकार उसको प्रकार चुभाया
या जो भी बकबक कर रहा है सभी कक्षा से बाहर जाएं, सभी कक्षा ने एक साथ हाँ कह दिया। दोनों लड़कियां रवि और सुधाकर कक्षा से बाहर गए। सुधाकर अच्छा विद्यार्थी था लेकिन कक्षा से इस तरह निकलना पसंद नहीं था, क्रोधित भी था क्योंकि बाटली वाला ने सही निर्णय नहीं किया था। इधर रवि लड़कियों और सुधाकर के ऊपर हंस रहा था, लेकिन वास्तव में वह प्रसन्नता महसूस नहीं कर रहा था। कौन? ये सुधाकर, क्योंकि वो गलत नहीं था, लड़कियां भी शांत खड़ी थी। कक्षा से बाहर निकालकर अध्यापिका ने गलत काज किया, सभी की नज़र में यह बात आ गई थी। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी या वह समझ नहीं पाया, उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और रवि के कारण बिना गलती के अन्याय का सामना करना पड़ा था। उसने रवि को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया, दूसरे दिन एक बड़ी सेफ्टी पिन खरीदी, स्कूल गया और उसने रवि के पीछे बैठी लड़की से स्थान बदलने के लिए कह दिया और कहा कि कल जो घटना घटी थी उसके बारे में उसे मालूम है। आज रवि फिर से अंग्रेजी कक्षा में मेरी पीठ में नर पर काल चुभेगा, इसलिए फिर से मुझे बाटली वाला बाहर जाने के लिए कहेंगी, इसलिए मैं उसके आगे नहीं बैठना चाहता हूँ। तान्या नाम की लड़की ने सहमति जताई और अपनी सीट दे दी। रवि ने नोटिस किया कि सुधाकर आज उसके पीछे बैठा है, वो समझ गया कि फिर से वही धंधा करेगा। लेकिन अध्यापिका के आने पर सुधाकर सब कुछ भूल गया। बाटलीवाला कविता की व्याख्या कर रही थी, शांति से सभी सुन रहे थे। श्याम पट पर लिखने के लिए जैसे ही मुड़ी वैसे ही सुधाकर ने रवि की पीठ में पिन चुभी, सेफ्टी पिन की पिन। इतनी जोर से चीखा रवि कि सुधाकर भी डर गया। बाटलीवाला ने घूम कर देखा, क्रोधित होकर रवि से कहा कि रवि तुमने दोबारा से वही सब कुछ किया? नहीं नहीं मैंने नहीं कुछ किया, कुछ भी नहीं किया है। इस बार किसी और ने मेरी पीठ में नुकीली की चीप चुभई है और हाथों को फैलाकर दिखाया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल तुमने किसी के पीठ में परकाल चुभोया था, आज कोई दूसरा चुभो रहा है। रवि को किसने चुभोया था? किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी पढ़ाई में मन लगाए, देख सभी पढ़ाई में मशगूल हो गए। एक दो छात्र तिरछी नज़र से उठाकर को देख भी रहे थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, वह कौन था? सुधाकर डर गया था, अचानक उसने स्वयं को यह कहते हुए सुना कि मैंने उसे कुछ नहीं चुभोया। तुमने क्या नहीं चुभोया? मैंने उसे सेफ्टिफिन से नहीं चुभोया। सभी कक्षा के छात्र हंसने लगे, इतनी तेज हंसे कि उनकी हंसी को कार्यालय प्राध्यापक ने भी सुनी। वे वहाँ पहुँचे तो देखा सभी हंस रहे हैं। वास्तव में क्या बात है? बाटली वाला प्राचार्य के ऊपर मुस्कुराई और कहा कि हम लोग आज इतने प्रसन्न हैं कि एक बच्चे ने सेफ्टी पिन दूसरे बच्चे को नहीं चुभोई है और दूसरा बच्चा चिल्लाया नहीं है और ना ही किसी ने बकबक किया है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी ने अपनी अध्यापिका से झूठ नहीं कहा। यह सुनकर बच्चे शर्मिंदगी महसूस करने लगे, सभी गुस्से से सुधाकर की ओर देख रहे थे। सुधाकर भी अपने पर शर्मिंदा था। जब उसने देखा कि पूरी कक्षा उसे ही देख रही है तो उसने खड़े होकर कहा कि कल उसने मुझे परकाल चुभोया था और मैं चिल्लाया था, आज मैंने सेफ्टी पिन चुभोई और वह चिल्लाया, मैंने झूठ कह दिया। उसके बाद सुधाकर शांत रहा। थोड़ी देर के बाद अध्यापिका को देखते हुए कहा, महोदया मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। इसके बाद वह रवि गुस्से से सुधाकर को देखने रवि ने कहा इस तरह की बात। इसके बाद वो गुस्से से सुधाकर को देखने से रोक नहीं पाया। तब बाटली वाला ने कहा, झूठ बोलने और चुगली लगाने से गलत काम कुछ नहीं होता है, इसे हमेशा याद रखो। प्राचार्य महोदय ने मुस्कुराकर कहा, मैं आशा करता हूँ कि सभी अपनी कक्षा में मजा करें और कुछ नया पाठ सीखें।
उसके बाद चले गए। इसके बाद पर कक्षा सात के छात्रों ने न कभी झूठ बोला और न एक दूसरे की चुगली की। तो बच्चों जान ध्यान रखो कि सच्चाई सच्चाई ही होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, हमारे ज्ञान के लिए वह सर्वोत्तम होती है। ईमानदारी ऐसी चीज है जिसे बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं और उसे अपने अमल में ला पाते हैं। इसमें संचार और संवहन दोनों ही सम्मिलित हैं। ईमानदार व्यक्ति उसी सूरज की तरह होता है जिसे झूठ या असत्य किस कुछ क्षण के लिए अपने को उसमें अपने को छुपा लेता है, लेकिन एक ना एक दिन उसकी आभा, उसकी ज्योति, उसकी किरण प्रस्फुटित हो ही जाती है। इस तरह पाठ समाप्त मैं करता हूँ।